नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में कोरोना का केसेस लगातार बढ़ते जा रहा है और हमारे सिलचर में भी पिछले कई दिनों से कोरोना का केसेस बढ़ते ही जा रहा है। तो आज रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आया है कि कछार कॉलेज का बेंगोली डिपार्टमेंट का एक टीचर है जिनका नाम है मैडम सुमिता घोष, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, फिर वो करेंटली अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करा रहे। जब से उनका ये इन्फॉर्मेशन आया है उनका या फिर उनका कोरोना का न्यूज़ आया है, तब से स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि हम लोग जाके अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कैसे दें। तो अभी देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। लेकिन ये जो न्यूज़ था सच में डरावने वाला न्यूज़ था। एक कॉलेज का टीचर का कोरोना पॉजिटिव हो जाना और वो टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी में भी प्रेजेंट था, तो इसके लिए तो अभी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहेगा ही। जैसे और कुछ अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना के आप लोगों को सूचित कर दूंगा। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताना कि सिलचर का एक कॉलेज का सिलचर का कछार कॉलेज का टीचर है जिनका नाम है मैडम सुमिता घोष, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वो करेंटली अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करा रही है। जैसे और कुछ अपडेट आएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।